बिहार में दूसरे चरण के चुनावी मुकाबले जारी हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वोटर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 6 नक्सल प्रभावित जिलों के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 456 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। दूसरे चरण का निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये 6 जिले बहुत हद तक नक्सलवाद की चपेट में हैं। सुरक्षा कारणों को देखते हुए 23 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 1 और 2 घंटा पहले ही खत्म होगा। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर लक्ष्मण ने बताया कि 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू है। 11 निर्वाचन क्षेत्रों में दिन में 3 बजे तक और 12 बजे में 4 बजे तक और बाकी 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 86,13,870 मतदाता हैं और मैदान में 456 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें 32 महिलाएं हैं। 9,119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैन्य बलों और राज्य पुलिस की 993 कंपनियां तैयार की गई हैं। गया में 334 कंपनियां, रोहतास में 201 और औरंगाबाद में 193 कंपनियां तैनात की गई हैं। सभी सीटों में मुकाबला बेहद तीखा है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।